खड़ा किया है उन्होंने सुबहला जिन्होंने कहा सुनना है उन्होंने सुबहला सुननी है जिन्होंने इंज किया सब सरदारा का सरदार अबू तालिब जात मुहम्मद दा पहरेदार अबू तालिब सब सरदारा दा सरदार अबू तालिब पैदा किया आ गर्मियां मुकदियां पईयां ने तुसां हुण तक पखे चलाया पखे दे अगे मंजी पाना ते कमीज उतार के जो सौण की तैयारी करना है 1400 साल पहले मेरा नबी दा चाचा जदों सौण लगदा ते कमीज उतार ते सौण की तैयारी करदा हजूर भी कमीज उतार देंदे बस सुभान अल्लाह यानी हजूर का कमीज उतारना सुभान अल्लाह जी बनती नहीं है ना मेरा नबी कमीज उतार देना ते नबी अपने चाचे ने जफ्फी पा के सौ जाना ना तेरी सुभान अल्लाह का मोहताज मुहम्मद इस तरह है ते जिम्मे तू बोलता पे या तो पूरा बोल दे या हमें पैसे दाद ना देना यार पता तो लगे एडा थक्या मजमा क्यों मैंने दिता जी जेड़ा सरकार अबू तालिब तो नहीं बोल सकता अगले जहान ही कहेगा ना जी मैं तो बोल ही नहीं सकता जबान तेन के बस दी अल्लाह ने मैं क्या नबी का जफ्फी पावना पावना ते फिर तेरा नबी जिंद नाल सौ जावे तू अपने बाप पुत्र नूं जोड़ी लैके सौ जाना बांह तेरे टा के सौ जाना ये भी तो पुत्र है ना ये भी तो नबी का चाचा उन्हों बाप दी प्यार दे रहा ना हाँ अथरू पूजे दाए कदी गल न ले ले दाए दुख सारे अहम परदार अबू तालिब जात मुहम्मद परदार अबू तालिब घर अबू तालिब दे तौहीद दा जलसा ए साइड दर बंदे जेडे इधर बैठे ने मेरी थोड़ी नजर टकरा गई है तो सर सुनना जरा चाचा जे तू कमे ते मैं कल देगा पका लूं रोटी पका लूं किन्ना दी इन्ना काफरां दी हुण उन्हें की किया पका ला जल्दी ला जल्दी ला ते मुहम्मद दा पैगाम पहुंचावण वाला कौन है जा बिरादरी सद के लै खुद अली बोला या अल्लाह जरा सुभान अल्लाह बोले उन्हों मरण वाली हजूर की ज़ियारत ता फरमा इस तो वड्डी दुआ मेरे को है मैं मिंबर ते बैठा अगर थोड़ा जब भी झूठ बोला तो उसमें लगने हकम साहब सैड दे हो जाए तो जे हक पढ़ा तो फिर हक सुने कर भाई इंतजामिया कासिद अली है ते मुहम्मद का पैगाम काफर तक पहुंचे भी मेरे नबी की गल सुन जाओ ये अबू तालिब के घर आए इन्होंने गल सुनी हजूर ने कहा अल्लाह वाहदहु ला शरीक है ते मैं उदा आखरी पैगंबर हाँ ये गुस्सा ही कर गए ये लड़के उठन लगे चले गए रोटी खा ले चले गए फिर दुए दे रोटी खावन आ गए इन्हां दी एक रवाज है अरब दा कि जो कोई रोटी ते बुलांदा सी इन्हां नूं आना पैंदा ये फिर चले आए दुआ दिन भी खाना खा के कहने लगे जी दसो की वे सानू सदया जी फिर मैं जी अल्लाह वाहदहु ला शरीक है मैं उदा आखिरी नबी हाँ फिर गुस्सा कर गया मैं जुमले नहीं कहना चाहता जो उन्होंने कहे ते तीसरा दिन फिर अली दत्त पैगाम भेजा बुला के लाया
फिर आ गए तो उस नबी मैंने वही पैगाम दिता है वाहदहु ला शरीक एक है तो मैं आखिरी नबी हाँ। तो अबू लहब ने कुछ अजीब जे लफ्ज़ बोले जेडे के नहीं दसन वाले उदो सरकार अबू तालिब ने तलवार खिंच ली तू तो हाथ भी नहीं कट सकना उनकी खातर मैंने पता तू की सुनता उन्हें तलवार खिंच के फरमाया और गल सुन मेरे भतीजे की गल पूरी सुन के जाई तेरा गल ना टाइम टाइम जो तू लाई है ना पूरी गल सुन के जाई जे तू गल ना पूरी सुनी मैं तेरे सिर ला दें जेड़ा बजोरे शमशीर हक की गल सुनवावे सोने की गल की है तू मेरी गल समझ नहीं फिर समान नहीं बोले तू कद उच्चा ना इन्हें लाइटा तेरा सिर बजे जो तू समझ आना गल मैनू सद्या ना तो मैं सुना जो मैं आंदा मैं तो ही सुना तो बाकी जो मित्र सुनेगा मैं जहरा दी नाले का सदका सुना सकना लेकिन हुण तो मैं वह सुना रहा जेड़ा तेन कोई नहीं सुना हाँ घर ذات محمد دا پردار ابو طالب سب سرداراں دا سردار ابو طالب ذات محمد دا پردار ابو طالب چٹ میری جیب وچ भी कोई असहाब से मनपत भी पढ़नी है भी लिखे हुए है तो मैं अबू तालिब की मनपत तो बाद एक मनपत सरकार के पाक साहबा की बार के पढ़न लगा